हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट करने वाला हूं मैं एक लेटेस्ट जो ड्रामा है वो आने वाला है, इमरान अशरफ और आयजा खान का ड्रामा आने वाला है भाई, जिसका नाम बताया जा रहा है चौधरी एंड सन्स। इसके फर्स्ट लुक से लेकर ऑल जो भी टीज़र्स हैं वो आ चुके हैं, उनको देखेंगे हम, रिएक्ट करने वाला हूँ मैं उस पर। आई होप कि आप एंड तक बने रहेंगे हमारे साथ, इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को, देखते हैं किस टाइप का ड्रामा होगा। इमरान अशरफ का आजकल बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिल रहा है, चाहे गाने हों, मूवी हो या ड्रामाज हों, सब में आ रहे हैं भाई। चलिए इन्जॉय करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। सारे लाइन से देख लूँगा मैं सब कुछ, फर्स्ट लुक से सारे लास्ट तक जो टीज़र हैं उसको देख लेंगे हम, फिर उसके बाद में रिव्यू करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सजनों ते बेलियो, मित्रों ते सेलियो, मेला लग गया, मैदान सज गया। ओ भाई पहलवानी ये गुम सुम हम और तुम, पंजा फड़ पंजा, वो तो दौन फड़ दौन पंजाबी। चल 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 शाबाश, पटक दिया। लेकिन आ रहे हैं सुल्तान वाला दाव लेकर अपनी दिलदारियां और बिल्लू चौधरी की होशियारियां। रहो नक्कालों से होशियार और देखते रहो चौधरी एंड सन्स मेरे यार। इनका लड़का विदेशी है, ये देशी देसी लग रहे हैं। माय नेम इज बिलाल चौधरी, पीपल कॉल मी बिल्लू। स्पीड जिसकी जवानी और नखरा जिसकी ब्रेक। बिल्लू ऑन द माइक, दादा ऑन द फ्लोर। ये कहीं बाहर से आया है मेरा बब्बर शेर। मैं हूँ परी, कत्ते न दाएं। ओहो नकली भोला अब्बा है, जिसमें बरस जाऊँ ना उसकी किस्मत खुल जाती है। तो पता नहीं कौन से हैदराबाद दक्कन की ढक्कन है ये। मैं होशियारपुरियों का लड़का हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो उठा के सीट पे बैठूंगा। परी भी ना हैदराबादियों की बेटी है, हिम्मत है ना तो उठा के बिठा लो परी को। हिम्मत है तो उठा परी। बातें हैं बस दर में, आहा ये जो मोहब्बत का एसटी कमाल का होगा, ये बैक्टीरिया बांध के दिलो दिमाग की तबाही फेर देती। लड़ाई से शुरुआत हुई। मैं हूँ परीसा अहमद, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है। परीसा अहमद। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे बन जाओ, एक दिन परी आपका ऐसा नाम रोशन करेगी। इंसान के नाम से बड़ा ना उसका काम होना चाहिए। सबका कत्ल हो गया। कितने दिन हो गए आप लोगों को पाकिस्तान आए? 12 परी हूँ परी, चरी मत समझना। देख लूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। परी को नहीं करनी किसी फजूल लड़के से शादी। लड़का ना फिरोज खान जैसा हैंडसम होना चाहिए। फिरोज खान जैसा? लेकिन स्टोरी तो ऐसे ही बननी है भाई, और बन गई। परीसा नाम है मेरा। बखूबी निभाती है रोल यार। हैदराबाद में घनौने कत्ल की वारदात, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पर लड़की ने अपने आशिक को छत से धक्का दे दिया। अरे अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो बाप अपनी जबान बंद करके देखेगा। कितने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? पुत्र मर्द रात को होटल में चले जाते। नाम क्या है तुम्हारा? परीसा। परीसा? परीसा। जब तक तुम्हारी दादी मिल जाए। अच्छा ये उनके घर पे आ गए। मेरी शादी ये बरादरी सिस्टम के टायरों में। रिश्ता नंबर 197। रिश्ता नंबर 197। ये साबरा चौधरी कौन है? ये डॉक्टर साहब। ये एब्सोल्युटली फिटेबल।
मेरी एक बात याद रखना परिचरी, बिल्लू चौधरी का एक फंडा है, जो छेड़े उसे मत छोड़ो। छोड़ो जो छेड़े उसे मत छोड़ो। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। हेलो, लाइन मार रहे हैं पिताजी। चलो इसी बहाने सही, तुम परी के आगे झुके तो चौधरी जमाने को अपनी ठोकर में रखता। बहुत तेज लगती है यार। डॉक्टर सलमा, तेरा भला हो जाए इसलिए अब्बा जी की हफ्ते में तीन तीन दिन तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, आपकी स्किन केयर के लिए खीरे का मास्क आती है मुंह पे। एक्सक्यूज मी, नहीं माशाल्लाह बहुत लेटे मार रही है। ओए मर तो तू भी गया था कई साल पहले किसी पर, ट्राइयां तो तुमने भी बड़ी मारी थी, तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला? मैं ऐसा करूंगा जब दादा जान को दवाई खिलाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। कैसा? उसकी जरूरत नहीं, वीडियो में मैं भी हूंगा। वो है बातें हैं बस दर में आए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लुक से, जो हमने सबसे पहला वीडियो देखा था उसके अंदर देसी बाप है एक, जो उनका लड़का है, बेटा है, उनका सपूत है, जो उनके दिल का टुकड़ा है। वो विदेश से तो नहीं कह सकता मैं, जो इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो बाहर से आता है शायद कहीं से पढ़ कर। तो वो आता है नक्शेबाजी में अपना सूट वूट और जैकेट वैकेट डालकर, जैसे कि अंग्रेज़ वेस्टर्न कल्चर लेकर आता है वो, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम और ये वो करते हुए आता है, और टशनबाजी वो वैसे दिखाता है, लेकिन वो उसके अब्बा जो है वो अखाड़ा चलाते हैं, यानी कि इट लुक्स लाइक ही इज़ अ देसी मैन, जो एक अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपने गांव से जुड़ा हुआ है, उसमें अखाड़ा चलाता है, पहलवानी होती है वहाँ पर। सो वैसा कुछ इसमें सीन दिखाई दिया। दूसरा टीज़र जो था के अंदर जो है इंट्रोड्यूस होती हैं आयजा खान, परीशान करके नाम बताया उन्होंने, परीशान, हाँ। उनका और इमरान अशरफ का जो है कॉन्टैक्ट होता है, आपस में भिड़ जाते हैं, मतलब स्टार्ट तो ऐसी होता है, एक चुलबुली सी लड़की, शैतान सी लड़की, पानी वानी डालना किसी के ऊपर, क्रिकेट खेलना गली मोहल्ले में, चुलबुली लड़की वैसा कुछ कैरेक्टर है वो, एक विदेशी टाइप का नक्शेबाज अमीर ज़्यादा टाइप का लड़के से भिड़ जाती है। तीसरे टीज़र में हमें देखने को मिलता है कि इमरान अशरफ और इनके बीच कुछ सीन और ज़्यादा बिगड़ जाता है, एक लड़का जो इनका आशिक होता है उसको छत पे से गिरा देती है। सो चुलबुलापन और नादानियाँ झलकती हैं आयजा खान के कैरेक्टर में। उसके अलावा फिरोज़ खान जैसा शक्ल वाला लड़का उनको चाहिए होता है, लेकिन मैंने बोला था उसको देखते हुए कि कहानी तो इनसे ही बनेगी, क्योंकि इन दोनों की कहानी बनती है, चाहे वो फिरोज़ खान की तरह लगते हो या ना लगते हो, लेकिन कहानी इन दोनों की ही बननी है, मोहब्बत भी होनी है, चाहे शुरू में कितना भी लड़ लें, तो वो नॉटी सा सी शुरुआत, लड़ाई झगड़े वाली शुरुआत मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएगी। चौथे टीज़र में इन दोनों के अलावा, इन दोनों की कहानी मेन है वैसे तो, इसके अलावा और लोगों की कहानी थी, बुढ़े लोगों की कहानी, आशिकी स्टार्ट हो जाती है। पाँचवें में भी कुछ ऐसी आशिकी स्टार्ट हो जाती है, इनके अब्बा जी की स्टार्ट हो जाती है, जो फादर साहब होते हैं वो किसी और पर लाइन मारने लगते हैं, और वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है रोमांटिक सा, और सामने बैठी आंटी उनको एक जवान सी लड़की नज़र आने लगती है, और ख़ुद को भी वो जवान समझने लगते हैं, कुछ वैसा सीन बन जाता है। शायरियाँ पीछे सुनाई देती हैं, शायरी भी मारते होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट से भरपूर है। आयजा खान के कैरेक्टर निभाने की जो कैपेसिटी है यार, वो कमाल की। उनको एक चीज़ और कहूँगा कि इसमें दिल भी टूटेंगे। टीजर्स और फर्स्ट लुक में तो हमने नहीं देखा कि दिल टूटेंगे, मोहब्बत की वजह से इसमें दिल और टूटेंगे ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर भूले भटके आ गए हो कहीं से, नए बंदे या बंदी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें आपके साथ मिलकर क्या देखना चाहिए। एंटरटेनिंग कंटेंट से रिलेटेड आप हमें सजेशन देते रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट हम देखते रहेंगे साथ मिलकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।